अब हमें इसका डे 5 पढ़ना है या इसका 5th लेक्चर पढ़ना है। इसमें हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के लिए बात करने वाले हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में सारे जो नर्व्स हैं, नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आर इंक्लूडेड इनटू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल नर्व्स अराइज्ड एंड फ्रॉम ब्रेन क्रैनियल नर्व्स अराइज्ड। फ्रॉम ब्रेन क्रैनियल नर्व अराइज्ड। और जो क्रैनियल नर्व्स हैं दे आर 12 पेयर, दे आर 12 पेयर इन रेप्टाइल वर्ड्स एंड मैमल्स, वेयर एज ओनली 10 पेयर्स आर प्रेजेंट इन फिशेज। तो इस तरीके से जो है ये यूजुअली कितना है, ह्यूमन में 12 पेयर है और फिश में 10 पेयर है। अब हम लोग इसके आगे बात कर लेते हैं। अब यहां जो नर्व्स है वो सेंसरी हो सकते हैं, मोटर हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस होंगे। अब जैसे यहां हम लोग बात करते हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक्सटेंड होता है और बॉडी टिश्यू से एक्सटेंड होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का मतलब कि ये बेसिकली कहां से एक्सटेंड होगा, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, और ये बंडल ऑफ नर्व फाइबर फॉर्म करते हैं और ये कवर करते हैं किसके थ्रू, फैसिकुलाई के थ्रू। और यहां एक कवरिंग पाई जाती है, इस बंडल्स को क्या बोलेंगे, फैसिकुलाई। और ये जो कवरिंग पाई जाएगी इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, एपिन्यूरियम, एपिन्यूरियम। तो यहां पर दो टाइप के लेयर है। ये बेसिकली जब हम लोग लोकोमोशन है मूवमेंट्स के लिए बात करे थे तो उस समय भी बात की थी। अब यहां पर जैसे क्रैनियल नर्व्स ये कहां से अराइज होते हैं, ब्रेन से, या फिर टू बर्ड्स ब्रेन जाते हैं, फ्रॉम ब्रेन आते हैं। और दूसरा जो है स्पाइनल नर्व, ये कहां से अराइज होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। अब इसके बाद हमें जैसे हम लोग ट्रैक के लिए बात कर चुके हैं, मैनेंजेस के लिए बात कर चुके हैं, मैनेंजेस के लिए ये दिस इज मैनेंजेस। और इसके हम जो यहां पर फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बात करेंगे कि जो क्रैनियल नर्व है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो उनके स्पेसिफिक कंसर्न के लिए हम लोग बात करेंगे। और जो 12 नर्व्स हैं उनमें ये भी देखेंगे कि क्या फंक्शंस है और उनका टाइप क्या है। तो यहां क्रैनियल नर्व्स के लिए हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे टोटल कितना है, 12 पेयर है, तो हम लोग यहां डिवाइड कर लेते हैं कि कितने सेंसरी हैं, कितने मोटर हैं और कितने कैसे हैं, मिक्स्ड हैं। तो सेंसरी टोटल कितने हैं, जो 3 पेयर है, 3 पेयर है, उनमें से कौन कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड एंड एट्थ। और जो मोटर है वो 5 पेयर है, 5 पेयर आर मोटर इन नेचर, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, 11 एंड 12, इसी से क्वेश्चंस होते हैं। और जो मिक्स्ड है, मिक्स कितने हैं, 3 पेयर, 3 पेयर, तो फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ एंड टेंथ, ये 4 पेयर है। तो इस तरीके से टोटल 12 पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक है उसके बारे में हम लोग यहां बात कर रहे हैं कि उसको कैसे याद रखेंगे। उसमें आप सिंपल एक लाइन याद रखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा नर्व क्या है और उसका फंक्शंस के लिए हम लोग बात करेंगे। तो यहां मैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। तो हम यहां बेसिकली टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, यहां नंबर होगा, यहां हम उसका कीवर्ड्स लिख लेंगे, कीवर्ड्स, और ये क्रैनियल नर्व्स और इसका फंक्शन, और यहां पर फंक्शन और यहां पर टाइप हो जाएगा किस टाइप का है, और इसके लिए हम लोग वर्ड लिख लेंगे कि हम उसको याद कैसे रखेंगे। तो
जो सबसे पहले फर्स्ट है, फर्स्ट है, तो इसके लिए कीवर्ड है ऑन, और ये कौन सा है, ऑल फैक्ट्री, तो यहां टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व। तो यहां आप यहां एक लाइन लिख लीजिए, ऑन ऑकेजन ऑफ ट्रीट, ऑन ऑकेजन ऑफ ट्रीट द एरोगेंट एरोगेंट फेसेस आर गिविंग वेरी स्पाइनी हैप्पीनेस। ये हमारा कीवर्ड नेमोनिक्स है याद रखने के लिए। अब यहां पर जैसे ऑन ऑकेजन ऑफ ट्रीट द एरोगेंट फेसेस आर गिविंग वेरी स्पाइनी हैप्पीनेस, तो ओ स्टैंड फॉर ऑल फैक्ट्री और ओ ऑल्सो स्टैंड फॉर ऑप्टिक एंड ओ ऑल्सो स्टैंड फॉर ऑक्यूलोमोटर ऑक्यूलोमोटर एंड टी स्टैंड फॉर ट्रॉक्लियर ट्रॉक्लियर और टी अगेन स्टैंड फॉर ट्राइजर्मिनल ट्राई जर्मिनल एंड ए स्टैंड फॉर एब्ड्यूसेंस ए स्टैंड फॉर एब्ड्यूसेंस और एफ स्टैंड फॉर फेशियल एंड ए स्टैंड फॉर ऑडिटरी और जी स्टैंड फॉर ग्लॉसो फेरेंजियल ग्लॉसो फेरेंजियल एंड एस स्टैंड फॉर सॉरी वी स्टैंड फॉर बेगस एंड एस स्टैंड फॉर एसेसरी। इसको आप ए यहां एसेसरी पढ़िए आ स्पाइनी पढ़िए आ एसेसरी पढ़िए एसेसरी स्पाइनल और एच स्टैंड फॉर हाइपो ग्लॉसल हाइपो ग्लॉसल। तो इनसे हम लोग कॉरलेट कर लेंगे, ऑन ऑकेजन ऑफ ट्रीट द एरोगेंट फेसेस आर गिविंग वेरी स्पाइनी हैप्पीनेस। ओ स्टैंड फॉर ऑल फैक्ट्री, यहां तो इसका मतलब ऑल फैक्ट्री ऑप्टिक ऑक्लियोमेटर ट्रॉक्लियर ट्राइजर्मिनल एब्ड्यूसेंस फेशियल और इसके बाद ऑडिटरी और ग्लॉसोफेरिंजियल बेगस एसेसरी स्पाइनल एंड हाइपोग्लॉसल। अब हम इनका फंक्शंस देखते हैं और इनका जो टाइप देख लेते हैं कि इनका टाइप क्या है। तो इसके लिए हम लोग एक वर्ड पहले लिख लेते हैं, वर्ड लिख लेते हैं तो हमें याद रहेगा। तो यहां जो हमें याद रखना है वो आप देख लीजिए, इसके करेस्पोंडेंस सम सेज, सम सेज मनी, कुछ कहते हैं मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज, माई ब्रदर सेज बिग बुक मैटर मोर। आपको मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। कुछ कहते हैं कि पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मेरे जो ब्रदर क्या कहते हैं कि बड़ी बुक मैटर करती है। अब इसको जहां एस है वो क्या है, सेंसरी है, और जहां पर बी है उसका मतलब बोथ है, बोथ का मतलब यहां पर सेंसरी और मोटर दोनों है, और जहां पर एम है वहां पर क्या है, केवल मोटर है। तो आप इनका टाइप याद रख सकते हैं, किस टाइप का एस है तो ये किस टाइप का है, सेंसरी है, सेम अगेन एस सेंसरी है, और एम है ये अगेन मोटर है,
और यहां एम है तो यहां भी मोटर है, यहां बोथ है, बी है तो बोथ है, एम है तो मोटर है और बी है तो बोथ है, और एस है तो सेंसर ही है, और बी है तो यहां पर बोथ है, और बी यहां पर बोथ है, एम मोटर है और अगेन मोटर है। तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि इतने सेंसर ही हैं, इतने मोटर है और इतने कैसे हैं, मिक्स्ड हैं या बोथ है। तो ऐसे आप इस सिंपल लाइन को, दो लाइन को आप याद रखेंगे तो आपको दोनों चीजें याद हो जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग इसके फंक्शंस के लिए बात कर लेते हैं कि फंक्शंस क्या है। जैसे ये जो ट्राइजर्मिनल है इसको क्या बोलते हैं हम, ये डेंटिस्ट नर्व कहते हैं, डेंटिस्ट नर्व, डेंटिस्ट नर्व इसको कहते हैं। अब हम लोग फंक्शंस के लिए, जैसे ऑल्फैक्ट्री है तो यहां फंक्शंस के लिए भी बात कर लेते हैं। तो जो ऑल्फैक्ट्री है मतलब ऑल्फैक्शन, तो किससे रिलेटेड होगा, स्मेल से, और ये किससे रिलेटेड होगा, विजन से। और जो फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर कौन सा है हमारा, ये है ट्राइजर्मिनल। तो ट्राइजर्मिनल किससे रिलेटेड होता है, ट्राइजर्मिनल इट इज रिलेटेड टू द च्युइंग, च्युइंग और टच, पेन, सेंसेशन इन फेस, सेंसेशन फ्रॉम फेस, ये ट्राइजर्मिनल। अब उसके बाद जो यहां पर कौन कौन सा, यहां पर जो थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, थर्ड यहां लिख दे रहा हूं, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, ये आई वॉल की मूवमेंट्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। किसमें, आई वॉल मूवमेंट्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है सेवंथ, वो हमारा क्या है, ये फेशियल नर्व्स है, तो ये किससे रिलेटेड होता है, टेस्ट सेंसेशन से, टेस्ट सेंसेशन से। लेकिन टेस्ट सेंसेशन कितना, टू थर्ड ऑफ टंग, टू थर्ड ऑफ टंग। इसके बाद ऑडिटरी हियरिंग, ऑडिटरी हियरिंग एंड बैलेंस। और जो ग्लॉसोफेरिंजियल होता है, ग्लॉसोफेरिंजियल होता है, ये किससे रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग, पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग से रिलेटेड होता है। इसके बाद जो बेगस है, बेगस बेसिकली किससे रिलेटेड होगा, ये बेगस रिलेटेड होगा हमारा पैरासिंपैथेटिक से, पैरासिंपैथेटिक मूवमेंट से। और जो एसेसरी स्पाइनल है ये किससे है, शोल्डर मूवमेंट से, शोल्डर मूवमेंट। और हाइपोग्लैसल ये टंग के मूवमेंट से रिलेटेड है, मतलब जो टंग का हम बाहर की तरफ मूवमेंट करते हैं उससे रिलेटेड है। तो इस तरीके से इसके फंक्शंस भी क्लियर हैं और इनका टाइप भी क्लियर है। इस तरीके से ये क्रैनियल नर्व कंप्लीट हुआ, ये आपको पहले ही बता दिया कौन सा कितने पेयर होता है। अब यहां पर डिफरेंट सेंटर्स है, ऑल्फैक्ट्री के ऑक्यूलोमीटर के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली। ऑक्यूलोमीटर जो बेसिकली क्या होता है, ऑक्यूलोमीटर आई वॉल के मूवमेंट से रिलेटेड होता है। ट्रॉक्लियर, ट्रॉक्लियर किससे रिलेटेड होगा, ये आई बॉल के मूवमेंट से, 3 4 6 आपको बताया, 3 4 6। और इसके अलावा हाइपोग्लैसल जो ये रिलेट होगा टंग के मूवमेंट से, और बेगस जो रिलेटेड होगा बेसिकली ये सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक मूवमेंट से, फेशियल फेस से, ऑप्टिक आई से रिलेटेड होगा। तो इस तरीके से इसके डिफरेंट नर्व्स हैं। अब यहां क्रैनियल नर्व्स तो आपको बता दिया कि ये क्रैनियल से ओरिजिनेट होते हैं। अब यहां पर सैम जो आपको टेबल के फॉर्म में बताया उसके रेगुलेशन और फंक्शन है। ऑल्फैक्ट्री यहां पर किसका है, से रिलेटेड है, नोज से रिलेटेड है, ऑप्टिक आई से रिलेटेड है, ट्रॉक्लियर ऑब्लिक मसल से और एब्ड्यूसेंस एक्सटर्नल मसल से, ऑक्यूलोमेटर बेसिकली आई के मूवमेंट से रिलेटेड है, ट्राइजर्मिनल फेस, टी, साइनसेस से रिलेटेड है। इसी को हम ट्राइजर्मिनल को क्या बोलते हैं, ट्राइजर्मिनल्स को बेसिकली डेंटिस्ट नर्व बोलते हैं। और इसके अलावा फेशियल मसल्स ऑफ फेस से रिलेटेड है, एसेसरी स्टर्नो क्लेमेस्टॉइड और ट्रेपीजियस मसल से जो नेक में प्रेजेंट है उससे रिलेटेड है, और हाइपोग्लैसस टंग से रिलेटेड है, सेंसेशन
सेंसरी ये बेसिकली न्यूरॉन्स का टाइप है, वेगस जो हार्ट लंग ब्रोंकाई और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से रिलेटेड है। तो इस तरीके से इसके फंक्शंस और हमें लोकेशन इसका क्लियर हुआ। नेक्स्ट ये जो हमें दिख रहा है वर्टिब्रल कॉलम, पर्टिकुलर जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले हैं नर्व, और ये नर्व्स कैसे निकलते हैं हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड है उससे नर्वेशन इनका होता है और ये अपने टारगेट साइट्स तक कनेक्ट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स है यदि आपको याद है तो जब हम लोग स्केलेटल सिस्टम के लिए लोकोमोशन मूवमेंट्स के लिए बात कर रहे थे तो मैं यही स्ट्रक्चर्स हमने देखा था, ये फोरामन एक लार्ज ओपनिंग है और ये यहाँ पर ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में देख रहा है जो माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से बना हुआ, तो ये इसका डॉर्सल रूट है। और अभी इसके पहले हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर्स देखा वो यही स्ट्रक्चर्स था। पर ये स्पाइनस प्रोसेस है जो क्या करते हैं बेसिकली, ये स्पाइनस प्रोसेस एक शार्प एंडिंग्स लिए प्रोजेक्शन होते हैं और ये मैनिंजेस इसका कवरिंग फॉर्म कर रहा है। तो इसमें हमें केवल यही याद रखना है कि फॉरमन बेसिकली जो प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा कुछ और जो ट्रांसबेरियम फॉरमन प्रेजेंट होता है ये कहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये कनेक्ट होता है। और ट्यूबरकल के बारे में हमें पता है कि ट्यूबरकल एक आउट ग्रोथ होती है, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड्स में प्रेजेंट होती है। तो ये जो केवल दिखाने के लिए कि वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रा है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसके साथ साथ यहाँ जो आपको दिख रहा है कि ये वाला पार्ट जो है ये कौन सा पार्ट है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है, हमने ट्रांसवर्स सेक्शन किया हुआ है और वो इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम का वर्टिब्रा प्रेजेंट है। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट स्पाइनल नर्व, तो स्पाइनल नर्व आपको पहले ही बताया 31 पेयर का होता है और ये बेसिकली जो प्रेजेंट होते हैं ये डिफरेंट रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपको बताया सर्वाइकल नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, थोरेसिक रीजन्स में थोरेसिक वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है और लंबर वर्टिब्रा एब्डोमेन में और सैक्रल लोअर एब्डोमेन में, कॉक्सियल रीजन्स में कॉक्सिक्स प्रेजेंट होता है या टैल नर्व जिनको बोलते हैं। तो ये आप याद रखिए CTLSC। ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं ये कितने होते हैं, 8, और जो थोरेसिक होते हैं 12 होते हैं, और जो लंबर होते हैं ये 5 होते हैं, सैक्रल भी 5 होता है और कॉकेक्सियल एक पेयर में होते हैं। तो टोटल कितना होता है, ये होता है 31 पेयर, ये इतना ही याद रखना है, रीजंस आपको पता है। अब डॉर्सल और सेंसरी अफ्रंट रूट, ये जैसे आपको पहले बताया डॉर्सल में क्या होता है, ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है और केवल इसमें सेंसरी नर्व फाइबर होते हैं। और ये क्या फॉर्म होता है, जैसे आपको दो पार्ट आपको बताए थे हॉर्न और कॉलम, तो यही जो सैम यही रिपीटेड ही है। रूट वाला पार्ट मतलब जैसे ये वाला, यहाँ वेंट्रल और डॉर्सल पार्ट के बारे में बात किया, इसके बाद यहां से गैंग्लियॉन जो निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल रूट, मतलब डॉर्सल हॉर्न से निकलने वाला डॉर्सल रूट, वेंट्रल हॉर्न से निकलने वाला वेंट्रल रूट निकलता है। और ये केवल कैसे होते हैं, सेंसरी होते हैं और वेंट्रल या मोटर, और ये वेंट्रल हॉर्न से कंटिन्यूअसली निकलते हैं और ये क्या फॉर्म करते हैं, ग्रे मैटर फॉर्म करते हैं। और लेकिन इसमें कोई भी गैंग्लियॉन प्रेजेंट नहीं होता है, गैंग्लियॉन प्रेजेंट नहीं होता। और ये अफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली क्या मसल्स में या ग्लैंड्स में ये नर्वेट होते हैं या जाके कनेक्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस के लिए बात करें तो फंक्शंस हम लोग देख लेते हैं क्या फंक्शंस होते हैं, तो ये बेसिकली ब्रेन और जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में ब्रिज का काम करता है, इट एक्ट एज अ ब्रिज, मतलब ये इट प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू बोथ एंड फ्रॉम ब्रेन एंड टूवर्ड्स द ऑर्गन ऑल्सो। और इसके अलावा ये बेसिकली इम्पल्स जो ब्रेन से जनरेट होते हैं उसके लिए पाथवे देते हैं जिससे कहां पर जाएंगे, अफेक्टर्स तक जाएंगे। और इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड के तीन फंक्शन, ब्रेन ऑर्गन्स में ब्रिज फॉर्म करता है और ब्रेन से अफेक्टर्स तक बेसिकली कनेक्टिविटी या न्यूरॉन्स का नेटवर्क फॉर्म करता है, वो कहां से निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से। इसके अलावा ये रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। अब जो आपको बताया ये वाला जो, जैसे आपको बताया एच पार्ट है ये बटरफ्लाई शेप का होता है, ये हमारा क्या है, सेंट्रल कैनाल है, सेंट्रल कैनाल है,
और यहां से डॉर्सल रूट गैंग्लियॉन से, मतलब डॉर्सल हॉर्न से डॉर्सल रूट गैंग्लियॉन से या डॉर्सल गैंग्लियॉन्स निकलते हैं, और वेंट्रल रूट से वेंट्रल गैंग्लियॉन्स निकलते हैं, और ये कहां जाएंगे, इफेक्टर या मसल्स में जाएंगे। सैम इसका मतलब ये है कि ये स्टिमुलस है, ये क्या कर सकते हैं, स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं कहां, रिसेप्टर्स के थ्रू। कैसे, रिसेप्टर्स के थ्रू, ये सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहां पर जाएंगे, ये यहां स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, उनका प्रोसेसिंग होगा, और ये रिले न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं वापस इफेक्टर्स के थ्रू, ये उसका रिस्पॉन्स दिखाते हैं। अब ये स्किन का एक पार्ट है, और बेसिकली स्किन कवरिंग है जो मसल्स को कवर करते हैं, तो मसल्स में मूवमेंट्स के थ्रू उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। सैम यहां पर जैसे स्पाइनल कॉर्ड ये दिख रही है, अफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट न्यूरॉन्स, और ये मसल से है। जैसे ये सपोज यहां पर ये क्या है, स्टिमुलस है, और जैसे ही फिंगर फ्लैम को टच करता, तो वैसे ही हम उसके लिए सोचते नहीं है कि हमें अब यहां से उंगली या फिंगर हटाना है, अपने आप ये क्या हो जाता है, वापस आ जाती है। तो ये प्रोसेस किससे होता है, ये इसी स्पाइनल कॉर्ड का ही प्रोसेस है। सैम इसी को हम आगे बात करेंगे, तो यही क्या है, रिफ्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो यही जो आपको कनेक्ट करके बताया, यही क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इसमें बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या होता है, तो अब हम यहां एनिमेशन से देख पा रहे हैं कि जैसे ये जो हमें दिख रहा है कि यहां टच किया, और ये वाला पार्ट क्या है, मसल्स है, तो ये कहां से जाएगा, ये यहां से रिस्पॉन्स गया या स्टिमुलस गया कहां पर, ये गया इस स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से बेसिकली ऑर्डर जनरेट हुआ, इंपल्स जनरेट हुआ, और उसके कारण जो मसल्स है, ये मसल्स मूव करी। ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो हैंड आपको दिख रहा है, ये कैसा जा रहा है, ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस होता है। रिफ्लेक्स एक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। बेसिकली ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री, दीज आर ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री, स्पॉन्टेनियस मोटर रिस्पॉन्स होते हैं, मोटर रिस्पॉन्स होते हैं, मोटर रिस्पॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये दीज आर द ऑर्डर जनरेटेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड टू अ स्टिमुलस। ये इसकी क्या है डेफिनेशन है, ये कैसे होते हैं, ऑटोनॉमिक होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, स्पॉन्टेनियस मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स होते हैं, और ये बेसिकली स्टिमुलस के अगेंस्ट ऑर्डर होते हैं, रिस्पॉन्स होते हैं। हम लोग अब यहाँ टाइप के लिए बात कर ले रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के होते हैं टाइप जो है इन रिफ्लेक्स एक्शंस के, तो इनको हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक कंडीशनल और दूसरा जो है ये कैसा है, बेसिकली अनकंडीशनल। अनकंडीशनल, कंडीशनल्स का मतलब ये है, इसको और हम क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस्ड भी बोलते हैं या अनकंडीशनल भी बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, दीज आर एक्वायर्ड, दीज आर एक्वायर्ड। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक्वायर्ड एग्जाम्पल के लिए टाइपिंग हुआ, टाइपिंग का मतलब यह है कि पहले हमें टाइप करना सीखना होता है, फिर एक बार हम सीख जाते हैं तो वो मैकेनिकल हो जाता है। इनिशियली तो इस तरीके से क्या होते हैं, इनिशियली ये होते हैं वॉलेंट्री, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनिशियली वॉलेंट्री होते हैं, कब, ड्यूरिंग लर्निंग, देन इनवॉलेंट्री, देन इनवॉलेंट्री। अब जो अनकंडीशनल होते हैं, दे आर प्रेजेंटेड बाई बर्थ, प्रेजेंटेड बाई बर्थ। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई, ब्लिंकिंग ऑफ आई लिड, तो ये कंडीशनल का मतलब हमने जो सीखा हुआ है, अनकंडीशनल जो हम इनवॉर्न सीख के आते हैं, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई। तो जो ये है, ये कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, लेकिन कंडीशनल कैसे होते हैं, पहले वॉलेंट्री होते हैं, उसके बाद फिर ये इनवॉलेंट्री होते हैं। तो एक टाइप ये हुआ। अब इसके बाद और कुछ हम लोग टाइप के लिए बात करने वाले हैं,
दूसरा टाइप का क्या है रिफ्लेक्स को, और हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं मोनोसाइनेप्टिक, मोनोसाइनेप्टिक, और दूसरा है पॉलीसाइनेप्टिक, पॉलीसाइनेप्टिक। मोनोसाइनेप्टिक का मतलब क्या है कि यहां पर केवल एक साइनेप्सिस इन्वॉल्व होता है, ओनली वन साइनेप्स। साइनेप्स के बारे में आपको पता है कि जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो कनेक्ट होता है और जो बेसिकली कनेक्शन फॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं साइनेप्सिस। तो ये जो न्यूरॉन्स में दो टाइप के बेसिकली फॉर्म हो सकते हैं या और ज्यादा भी हो सकते हैं, एक्सॉन एक्सॉन के बीच में साइनेप्सिस हो सकता है, एक्सॉन डेंड्राइट्स के बीच में या डेंड्राइट्स डेंड्राइट्स के बीच में। तो इसको हम क्या बोलते हैं एक्सो एक्सॉनिक, और इसको क्या बोलेंगे एक्सो डेंड्राइटिक या और इसको क्या बोलेंगे डेंड्रो डेंड्राइटिक। तो इस टाइप के साइनेप्स फॉर्म होते हैं। मोनोसाइनेप्टिक में केवल एक साइनेप्सिस फॉर्म होता है और इसमें कोई भी इंटर न्यूरॉन्स नहीं होते, नो इंटर न्यूरॉन्स। इसका मतलब यह है कि कनेक्ट करने के लिए कुछ नहीं होता, डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है नी जर्क, बहुत इंपॉर्टेंट नी जर्क। और पॉलीसाइनेप्टिक का मतलब मोर देन वन साइनेप्स आर इन्वॉल्व, और इसमें यहां जैसे कोई भी इंटर न्यूरॉन्स नहीं थे, यहां पर मोर देन वन इंटर न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व। इसके बाद इसका एग्जाम्पल याद रखिए विड्रॉबल रिफ्लेक्स। तो इस तरीके से मोनोसाइनेप्टिक का एग्जाम्पल नी जर्क है, पॉलीसाइनेप्टिक का एग्जाम्पल विड्रॉबल रिफ्लेक्स है। अब इसके बाद और हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस को या रिफ्लेक्सेस को, एक क्रैनियल रिफ्लेक्स और दूसरा जो है स्पाइनल रिफ्लेक्स। तो क्रैनियल रिफ्लेक्स का मतलब ये क्रैनियम से रिलेटेड, तो इट विल बी कंप्लीटेड बाई ब्रेन, और स्पाइनल है तो इट विल बी कंप्लीटेड बाई स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें कोई भी अर्जेंसी रिक्वायर्ड नहीं होती, अर्जेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड। और लेकिन इसमें स्पाइनल रिफ्लेक्स में अर्जेंसी रिक्वायर्ड होती है, अर्जेंसी रिक्वायर्ड। जैसे इसका एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा सैलाइवेशन ऑन सीइंग फूड, और यहां पर क्या है पिन प्रिक होना। तो जब पिन प्रिक होते हैं तो हम वेट करते हैं क्या कि कोई आएगा हमें बताएगा पिन से हाथ हटाना चाहिए, ऐसा तो नहीं, अपने आप करते हैं, इसलिए यहां अर्जेंसी होती है। और क्रैनियल नर्व, क्रैनियल मतलब ब्रेन से कंप्लीट होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें अर्जेंसी की जरूरत नहीं होती। अब डेफिनेशन हम लोगों ने बात ही कर ली, ऑटोनोमिक इनवॉलेंट्री स्पॉन्टेनियस मोटर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, स्टिमुलस में भी एनीथिंग, इट मे बी अ टेम्परेचर, इट मे बी हीट, और इट मे बी कोल्ड, इट मे बी एनी शार्प ऑब्जेक्ट, एनीथिंग। अब इसके बाद हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स के लिए बात कर रहे हैं। बहुत ही सिंपली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो स्टिमुलस है वो कौन रिसीव करेगा, इट विल बी रिसीव्ड बाई रिसेप्टर, और ये फिर सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहां जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू सीएनएस में जाएगा, और इसके बाद फिर कहां जाएगा ये इफेक्टर्स के थ्रू, इफेक्ट टूवर्ड्स इफेक्टर मूव करेगा, ये इधर मोटर न्यूरॉन्स और मिक्स्ड न्यूरॉन्स। तो ये जो पाथवे फॉर्म हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, वी कॉल्ड इट रिफ्लेक्स आर्क। यहां जो हमें सिंपली दिख रहा है यहां प्रोसेसिंग सीएनएस में हो सकती है या स्पाइनल कॉर्ड में हो सकती है। तो यहां से जो जाएगा वो बेसिकली क्या होगा, इफरेंट न्यूरॉन्स होगा, और यहां जो आएगा वो अफरेंट होगा, ये चीज आपको पहले ही बता दी। तो इस तरीके से इसमें हम देख सकते हैं, यही इसका मैकेनिज्म है। रिफ्लेक्स आर्क आपको बता दिया कि रिफ्लेक्स आर्क कैसा है, रिफ्लेक्सेस मैकेनिज्म जो होता है चेन सेंसरी इंपल्स इंटू मोटर इंपल्स मेयरली रिंगिंग ऑफ बेल कैन सब्स्टिट्यूट
साइट और स्मेल ऑफ फूड टू इनिशिएट सैलाइवेशन ओनली रिक्वायर्ड एंड नॉन हेरिटेबल प्रॉपर्टी। ये जो है ये पेवलोव एक्सपेरिमेंट है जिसको रिफ्लेक्स को स्टडी करने के लिए कंप्लीट किया गया था। और पेवलोव एक्सपेरिमेंट किसमें कंडक्ट किया था? डॉग्स में। तो इसके बाद जैसे हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले ये जैसे ये बॉन है, बॉन है और ये डॉग है। आप मान लीजिए ये डॉग है। अब जो पेवलोव साहब थे तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे डॉग ने बॉन को देखा, हड्डी को देखा, तो इससे सैलाइवेशन होने लगा, सैलाइवेशन होने लगा। अब दूसरा जो उन्होंने देखा, सैलाइवेशन आपको क्या, आपको बताया कि ये क्या है, बेसिकली रिफ्लेक्स है। अब इन्होंने क्या किया, एक वेल लिया और उसको बजाया। सैम यही जो अपने डॉग थे ये आए फिर से, तो इनमें कोई भी सैलाइवेशन नहीं हुआ, नो सैलाइवेशन। लेकिन यहां देखा तो क्या है, सैलाइवेशन दिख रहा है, तो यहां सैलाइवेशन प्रेजेंट था। लेकिन घंटी बजाया तो कोई भी सैलाइवेशन यहां नहीं हुआ। अब इसके बाद जो थर्ड कंडीशन थी, इन्होंने क्या किया, सैम बॉन रखा और घंटी भी रखी, तो बॉन दिखाया और घंटी भी बजाई, तो इसके बाद क्या हुआ, इस डॉग में सैलाइवेशन हुआ, सैलाइवेशन प्रेजेंट था। और जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट हुआ तो इन्होंने क्या किया, यहां घंटी बजाई, यहां क्या किया था, घंटी बजाया और बॉन भी प्रेजेंट था, तो सैलाइवेशन इंड्यूस हुआ। यहां पर केवल घंटी बजाई और डॉग कंफ्यूज हो गया, तो उसमें कंफ्यूजन से क्या हुआ, सैलाइवेशन आने लगा। या कंफ्यूजन का मतलब ऐसा मत समझिए जैसा हम लोग समझते हैं। तो ये सैलाइवेशन क्या हुआ कि वो उसको लगा कि अब घंटी बजी तो मेरे को कुछ खाने के लिए मिल रहा है। तो इसमें बेसिकली इन्होंने क्या प्रूव किया कि जो इंपल्स है वो बेसिकली चेंज हुए और सैम टाइप का रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, सैम रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। तो यहां पर ये रिस्पॉन्स किससे आपको बताया, स्पाइनल कॉर्ड का रेफरेंस है। यहां पर ये जो मैकेनिज्म है इसको हम फिर से देख सकते हैं कि स्टिमुलस है स्किन में, जैसे फिंगर है, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है और ये सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा कहां, यहां पर। ये कौन सा पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, ये सब हमें दिख रहा है। और यहां से साइनेस फॉर्म हो रहा है जिसको हम क्या बोले, रिले न्यूरॉन। और ये वापस यहां, ये कौन सा पार्ट है, जो बाइसेप्स मसल्स हमारी कहां प्रेजेंट होती है, हैंड में, और जैसे फिनिश पिक हुआ हमने वापस ले लिया। लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्स कहां से जनरेट हुआ, यहां से। किसके थ्रू यहां तक पहुंचा, ये पहुंचाने वाला कौन था, रिले न्यूरॉन्स, जो किसको कनेक्ट कर रहा है, मोटर न्यूरॉन्स को। और मोटर न्यूरॉन्स किससे कनेक्ट होते हैं, मसल से, या रिस्पॉन्स हार्मोन्स भी हो सकता है। अब जैसे आपको कंडीशन रिफ्लेक्स के बारे में आपको बताया, ये कैसे होते हैं, ये जनरली एक्वायर्ड होते हैं, मतलब पहले कैसे होते हैं, पहले वॉलेंट्री होते हैं, मतलब इन्हें सीखना पड़ता है, उसके बाद इनवॉलेंट्री। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं, स्विमिंग हुआ, टाइपिंग हुआ, ड्राइविंग हुई, ये कैसे होते हैं, कंडीशनड रिफ्लेक्स होते हैं। तो इनिशिएटेड टू स्टिमुलस अदर देन द वन विच नॉर्मली इनिशिएट दैट रिस्पॉन्स। तो कंडीशन रिफ्लेक्स हमें सीखने पड़ते हैं।